बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सूफी एजुकेशन पॉइंट पे खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूरॉन इज़ नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एफरन न्यूरॉन्स। एफरन न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करके ट्रांसमिट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो नेक्स्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो ऑप्शन है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्प्लीन एंड नर्व्स, सोमेटिक न्यूरॉन एंड स्प्लीन, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है, द नर्व्स विच आर अटैच टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्कल आर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रेनियल नर्व। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। नेक्स्ट है, EEG done to know the function of, यानी कि EEG किसके फंक्शन जानने के लिए की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेन। जैसे हार्ट के लिए ECG की जाती है, इसीलिए ब्रेन के लिए EEG की जाती है। तो पूछा जा सकता है EEG stand for electroencephalogram। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स, इनमें से क्या है जो कि मस्कुलर बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है अपने हमारे ब्रेन का, तो ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जो मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेनेंजीज जो है ये प्रोटेक्ट करती है। ये क्या है? ये थ्री लेयर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, और इसकी जो थ्री लेयर होती है वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वाली जो है ड्यूरा मैटर, और सेकंड वाली अरेकनोइड मैटर, एंड जो थर्ड है पिया मैटर। नेक्स्ट है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कौन सा है जो कि एज एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करता है हार्मोनल सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है, जंक्शन बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन इज नोन एज, यानी कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन के दरमियान जो जंक्शन है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिनेप्स। पोन्स सेरिबेलम एंड मेडोला टुगेदर कॉन्स्टिट्यूंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंड ब्रेन। ये तीनों जो हैं ये हिंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है, द आउटर टिश्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, जो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर टिश्यू है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइट मैटर, और जो इनर है वो है ग्रे मैटर। नेक्स्ट है, फ्लूइड प्रेजेंट इन एंड अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज, तो उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। विच पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पाइनल कॉर्ड। द सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन के तौर पर भी हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज हार्ट बीट। नेक्स्ट है, अल्जाइमर्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो अल्जाइमर्स डिजीज है वो इनमें से किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटाइलकोलीन। अल्जाइमर डिजीज़ होती क्या है? ये हमारे ब्रेन की डिजीज़ है, इसमें यानी कि भूलने की बीमारी को कहा जाता है अल्जाइमर्स। तो ये ज़्यादातर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है, बाज़ औक़ात ये छोटी उम्र के लोगों को भी हो सकती है। मेडोला ऑब्लोंगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ, तो जो मेडोला ऑब्लोंगेटा है वो किसका पार्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पायरेशन के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, इनमें से कौन सा है जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों जो हैं ये हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, टू मेंटेन एक्विलिब्रियम इन बॉडी इज फंक्शन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेरिबेलम। डाइनसेफलॉन इज डिवीजन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर ब्रेन।
नेक्स्ट है, सुपीरियर कोलिक्यूलस इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, इट रिसीव द सेंसरी सिग्नल्स फॉर। इन्होंने कहा कि सुपीरियर कोलिक्यूलस जो है ये मिड ब्रेन का पार्ट है और रिसीव करता है सेंसरी सिग्नल्स। तो ये पूछा कि करता किसके लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजन। ये विजन के लिए करता है, और जो इन्फीरियर कोलिक्यूलस है वो हेयरिंग के लिए करता है। नेक्स्ट है, सेरिब्रल लोब एसोसिएटेड विद विजन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ ब्रोकाज एरिया इज, जो ब्रोकाज एरिया उसके फंक्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पीच प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ब्रोकाज एरिया है क्या, मोटर स्पीच एरिया को ब्रोकाज एरिया कहा जाता है और ये फ्रंटल लोब में है। नेक्स्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन इज फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइम्बिक सिस्टम। ये लाइम्बिक सिस्टम का ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की वीडियो आपको मिलती रहे।